अब जो परिस्थितियां हैं उसके बाद आपका क्या रुख रहे हैं? हम पहले तो सरकार से बात करेंगे और सरकार से बात करने के बाद अगर नहीं बढ़ेगी तो मैं अपनी कानूनी सलाह लूंगा, अपने फेडरेशन को बचाने के लिए मैं कानूनी सलाह लूंगा। क्या कारण आप समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ और ये जो पूरा भंग कर दिया, क्या इसका इसके पीछे क्या? पहले तो भंग नहीं किया गया, इसको आप वो कर लीजिए, निलंबित किया गया। हाँ, वही निलंबित, भंग नहीं किया गया। हाँ, हाँ, वही जी। और दूसरी बात ये है कि जो आरोप लगाया है, जिस आरोप की वजह से कि हमने जल्दीबाजी में फैसला लिया अंडर 15 और अंडर 20 के लिए, तो जल्दीबाजी का फैसला मैंने कोरम को पूरा करते हुए लिया है। AGM पूरी जुट इकट्ठी थी वोटिंग के लिए, हर स्टेट से दो दो डेलीगेट्स आए थे। जब भी AGM होती है तो हर स्टेट से दो दो लोग आते हैं AGM के लिए, तो उनको वहीं चुनाव जीतने के बाद वहाँ एडजर्न किया गया मीटिंग और होटल में ले आ करके होटल रॉयल प्लाजा में मीटिंग को कंटिन्यू किया गया। सारे स्टेट्स के डेलीगेट्स ने ये डिसीजन लिया कि इसी कैलेंडर ईयर में अगर ये नहीं करा दिया जाता है तो इन खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो आगे उनका सर्टिफिकेट नौकरी के लिए, एडमिशन के लिए, तमाम जगह उनका सर्टिफिकेट काम आता है, उसके लिए वो लिया गया डिसीजन। और दूसरा आरोप जो ये लगा कि उसको हमने नंदिनी नगर में दे दिया, सब लोगों ने अपनी सहमति दी कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ये गेम। और नंदिनी में एक टाटा का सेंटर है और एक साई का सेंटर है, दो नेशनल एक साथ कराने के लिए एक कम से कम 6 मैच की ज़रूरत होती है, इसलिए नंदिनी में सबकी सहमति से दिया गया, वो मेरा अकेले का डिसीजन नहीं है, कोरम पूरा किया गया है। क्या इसे हम जो एक एक कॉमन जो बात चल रही है, ये हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश का प्रभुत्व है इस पूरे खेल पर जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह के जरिए आया, हाँ क्या वो उस पर कुछ जो हरियाणा हावी हुआ है या कुछ ऐसा कुछ है क्या इसके पीछे, इस मुद्दे पर कुछ बोले? हरियाणा इसको आप नहीं कह सकते, एक परिवार एक अखाड़ा एक फैमिली कह सकते हैं। और हरियाणा के तो आज भी 99% बच्चे हम लोगों के साथ हैं जिनकी कुश्ती बर्बाद हो रही है, उनकी कुश्ती को बचाना है। क्या राजनीति भी इसके पीछे कोई कारण है? अब हम लोग खेल करते हैं, जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो लोग राजनीति करें, उनको राजनीति करना है तो राजनीति करें, उनको राजनीति के अखाड़े में जवाब दिया जाएगा, खेल वाले में खेल वालों को जवाब दिया जाएगा। एक थोड़ा सा ये कुछ एक आप रघुवंश शरण सिंह जी के सबसे करीबी माने जाते हैं, क्या ये आपके जरिए ब्रजभूषण शरण सिंह जी पर किसी तरह का कोई दबाव बनाने या उसकी राजनीति है क्या? जैसे ब्रजभूषण सिंह के करीबी हम 12 साल से लगातार, हम 2008 से कुश्ती संघ में हैं तो, और वो कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट 2011 में चुने गए, तो जो कुश्ती संघ में है तो अपने प्रेसिडेंट से उसकी बातचीत होगी ही, उसका रहेगा ही। खेल के प्रति मेरा लगाव है, खेल प्रति लगाव देखते हो हमारा उनसे थोड़ी घनिष्ठता बढ़ी, उसकी वजह से अगर कोई ये दिखाए। अब उसमें देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने तो अपना संन्यास ले लिया, कुश्ती से उनका कोई मतलब नहीं है। साक्षी मलिक ने भी संन्यास ले लिया, तो कुश्ती को लोग प्रेम से आगे बढ़ने दें, नए पहलवानों का विकास हो, नए पहलवानों की जो कुश्ती रुकी हुई है एक साल से हमारी एक्टिविटी रुकी उसको चालू हो, इसमें राजनीति न ले जाए, राजनीति दोनों लोग अपना अलग अलग जाके करें। उन्होंने कहा कि ये राजनीति नहीं है, ये खेल है, हमें खेलने दें, हमें खिलाड़ियों के साथ रहने दें और जो राजनीति करने वाले हैं वो राजनीति करते रहें।